ने बहुत उत्साहित होकर के आज जश्न मनाने का काम किया है, चूँकि इसलिए कि ये नौजवान पिछले एक साल से अपने ज्वाइनिंग के लिए दर दर भटक रहे थे, कोई सुनने को तैयार नहीं था। और ये पूर्वोत्तर के राज पिछले कई सालों से 30 वर्षों से हमेशा वहाँ जाने वाले जो भी गैर पूर्वोत्तर के लोग हैं, हिंदी भाषी उत्तर भारत के लोग हैं, उनके साथ मारपीट किया जाता है, एडमिट कार्ड फाड़ दिया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उनको प्रश्न पत्र फाड़ दिया जाता है, परीक्षा नहीं देने दी जाती थी। इसके बाद जब वो हार थक गए, जब हम लोगों ने बार बार आंदोलन करके उनको जवाब दिया, उनका प्रतिकार किया, जब वो हार गए, थक गए पूरी तरह से, इसके बाद उन लोगों ने मामला हाईकोर्ट में लेकर गया कि भाई हम लोगों को स्थानीय स्तर पर आरक्षण चाहिए, और उत्तर भारतीयों को किसी हाल में इधर मैंने वो लोग नहीं चाहते थे कि उत्तर भारतीय के लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी नौकरी में यहाँ पर उनका ज्वाइनिंग हो, तो इसलिए 2577 नौजवानों को अटका दिया गया था। और माननीय हाईकोर्ट ने हम लोगों की भावनाओं को देखते हुए, हम लोगों के आंदोलन के प्रभाव को देखते हुए, हम और रेल प्रशासन और रेल सरकार जो है पूरी तरह से दबाव दी, और हम लोगों को अंत अंत तक जो है 5 सितंबर को हम लोगों को विजय हासिल हुआ। हाईकोर्ट ने पूरी तरह से इसको खारिज कर दिया और क्षेत्रवाद को खारिज कर दिया, और ये राष्ट्रवाद की जीत है। हाईकोर्ट ने ही विराम लगा दिया। अब आने वाले समय में भी कोई भी नौजवान पूर्वोत्तर में आसानी से NFR रेलवे में ज्वाइनिंग कर सकता है, वहाँ परीक्षा दे सकता है। अब न तो न्यायालय हस्तक्षेप करेगी और न ही उन लोगों की हिम्मत होगी अब हम लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए। एक बहुत बड़ा हम लोगों की जीत है, हम सभी लोग बहुत उत्साहित हैं, और आने वाले समय में सभी नौजवानों को हम लोग बधाई दिए हैं कि हौसला अफजाई करके रेल की सेवा करें, जनता की सेवा करें, देश की सेवा करें रेल के माध्यम से। यही शुभकामनाओं के साथ आप लोगों के भी, सारी मीडिया को, जो मीडिया के साथियों ने, आप सभी लोगों ने बहुत मदद किया है, क्योंकि देश का जो संवाद का काम है सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचाने का, तमाम आंदोलनों को आप लोगों ने, मीडिया के साथियों ने ईमानदारी से हम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाई और माननीय हाईकोर्ट असम को पहुँचाई, जिसमें हमारी जीत हुई है, इसमें आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।